हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप यादव, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन टैलेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ की, जो अभी एग्ज़ाम हुई थी पिछले ही महीने में 23 जनवरी 2020 को, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और कब तक लेके जाने, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए भी एंड तक देखना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर जिसके 30% मार्क्स थे उनको क्वालिफाइड में लिया गया है, और इसके लिए डबल, मतलब जितने आवश्यकता थी उससे डबल कैंडिडेट्स को इसके अंदर बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद चयन सूची प्रकाशन लास्ट में की जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। तो अब बात कर लेते हैं कि कब और किन किन को बुलाया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर डेट दी गई है, जीएनएम और बीएससी कैंडिडेट वहाँ पर जाने वाले हैं, कि जो 8 फरवरी 2020 को सुबह, मतलब दो पारियों में इसके वेरिफिकेशन होंगे। तो ये रोल नंबर दिए गए यहाँ से लेके यहाँ तक के 205 205 के रूप में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना के अंदर आपको जाके वेरिफिकेशन करवाना है, ये इसके अंदर बताया गया है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या टाइमिंग रहेगा। तो इसके अंदर जो टाइमिंग दिया गया है, तो लिखा हुआ है कि पहले चरण मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम होगा 9:30 से मॉर्निंग में, और जो आफ्टरनून के अंदर आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन टाइम होगा 1:30 बजे से। और जो कैंडिडेट्स इन डेट्स के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके अलावा ये एक डेट और फिक्स की गई है, 12 फरवरी को आप जाके वहाँ पर जाके आप इनका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में इन लोगों ने बताया हुआ है कि 5 कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, और परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होता है एडमिट कार्ड वो लेके जाना है, और जन्मतिथि के रूप में आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। और जो जीएनएम या बीएससी का जो सर्टिफिकेट या डिग्री है आपके पास, वो भी आप लोगों को वहाँ पे लेके जानी है। लेकिन इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आरक्षण उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा, बाकी कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। पहचान पत्र, मतदाता आधार कार्ड, पैन कार्ड द्वारा जो भी आप लोगों के पास होंगे वो सब लेके जाने हैं। इसके अंदर साफ साफ लोगों को बताया गया है दोस्तों कि अगर काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन के, जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब एक साथ ही लेके जाने हैं। जो भी एक्स्ट्रा है वो भी लेके जाना है, अगर ना ज़रूरत हो तो वापस आ सकते हैं, लेकिन कम ना ले जाएं। तो यही था इसके अंदर। और इसके अलावा जो आप लोगों को लेके जाना है, इसके अंदर ये नाम दिए गए हैं जिन जिन को भी वहाँ पे बुलाया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है, नाम, फादर नेम। इसके अलावा इसमें दिया गया है, सॉरी दोस्तों, जो नीचे की साइड में इसके अंदर दिया गया है, वो दिया गया है कि बॉन्ड सिक्योरिटी या श्योरिटी के लिए जो भरा जाएगा बॉन्ड, वो कैसे भरा जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बॉन्ड श्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और बॉन्ड के लिए इसमें बताया गया है कि एक बॉन्ड पेपर है, बॉन्ड का पेपर नीचे नीचे मिलेगा आपको। श्योरिटी, थोड़ा टाइम लग रहा है नीचे आने में, काफ़ी पेज, ये रहा नेशनल हेल्थ मिशन श्योरिटी बॉन्ड, ये आपको भर के ले जाना है, श्योरिटी बॉन्ड होगा जो इसके अंदर बताया गया है। डिमांड्स 1,03,400 रुपये, जो कि आप जब इसको छोड़ोगे तब आपको भरना होगा, तो ये भी आपको फोटोकॉपी करवा के लेके जाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।